बीटा टू पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसको पुलिस द्वारा और डेवलप किया गया। इस सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। सूचना के आधार पर जो थाना बीटा टू पर 3 साल से फरार एक वांछित अपराधी जिसका नाम आशु उर्फ हरिंदर उर्फ बिट्टू है, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, ये पिछले 3 साल से थाना बीटा टू से लूट के मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर से 25,000 रुपये का इनाम ऑलरेडी घोषित था। और ये ऋतिक रोशन करके एक गैंग का मेंबर भी रहा है जो नोएडा दिल्ली एनसीआर में कई लूट की वारदातों को जिन्होंने अंजाम दिया है। साथ ही में जो ये आशु उर्फ हरिंदर है इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं लूट के नोएडा के, और इसके ऊपर जो अन्य मुकदमे हैं उसकी छानबीन की जा रही है। सूचना के आधार पर बीटा के गामा क्षेत्र में पुलिस द्वारा चेकिंग की गई जिसमें इसने पुलिस के ऊपर जवाबी कार्रवाई करी। उसी को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा भी इसके ऊपर जवाबी फायरिंग करी गई जिसमें इसके पैर पर गोली लगी है। और इसके जो अन्य मुकदमे हैं उसके बारे में पुलिस तलाश कर रही है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही। साथ ही साथ इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अवैध असला और कारतूस बरामद हुए हैं। और जो अपराधी है जिसको गोली लगी है उसको इलाज हेतु अस्पताल रवाना किया गया है एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।